हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड इंटरेस्टेड टॉपिक। टॉपिक है बेटा आज हमारा अप्रोचेज टू प्लानिंग, प्लानिंग के अप्रोच। आज हम जो अप्रोचेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। कल हमने जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो किया था नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में और प्लानिंग होती क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी। आज हम इसके उपागम अप्रोचेज के बारे में हैं वो डिस्कस करेंगे। अप्रोचेज आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था उसके अंदर आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे अप्रोचेज, ये अप्रोचेज हैं हमारे प्लानिंग को लेकर, कि दो तरह के हैं। एक तो आता है सेक्टरल, सेक्टरल एक सेक्टर के लिए, एक आता है रीजनल किसी क्षेत्र के लिए, एक होता है खंडीय और एक होता है क्षेत्रीय प्लानिंग। तो दोनों हम जो डिस्कस हैं वो करेंगे। देखिए सेक्टरल का मतलब होता है कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए हम एक पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए प्लानिंग है वो करते हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए प्लानिंग की तो उस सेक्टरल के अंदर आएगा। रीजनल, रीजनल के अंदर हम जो हैं आगे भी पढ़ेंगे, जैसे जो हिली एरिया प्रोग्राम्स चलाए गए, कुछ डेजर्ट एरिया है उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए, तो वो रीजनल हो जाते हैं बेटा, वो रीजनल हो जाते हैं पूरे क्षेत्र के लिए। एक एग्रीकल्चर है तो वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही होगा। ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्लानिंग होगी वो ट्रांसपोर्ट के लिए ही होगी, न कि वो एग्रीकल्चर के लिए। तो इनमें सिर्फ बेसिक अंतर यही है, आपको सिर्फ नाम से ही इनको आप एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। सेक्टरल, इसके लिए फॉर्मुलेशन एंड सेट ऑफ स्कीम और प्रोग्राम्स ये चलाए जाते हैं। सरकार कोई स्कीम चलाती है, कोई फॉर्मूला है वो अपनाती है, या कोई स्कीम लागू करती है या प्रोग्राम्स है वो चलाती है। और ये जो स्कीम है जो लागू करती है या चलाती है उसका उद्देश्य सिर्फ उस सेक्टर में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है वो करना है बेटा। जैसे सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाई, एक ये प्रोग्राम चलाया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो होनी, इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है वो होनी, किस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सरकार ने एक स्कीम या एक प्रोग्राम चलाया ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे क्या हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, डेवलप ऑफ वेरियस सेक्टर, उस सेक्टर की। वेरियस सेक्टर का मतलब होता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित जो भी सेक्टर है उस सेक्टर की डेवलपमेंट करना, ऑफ इकोनॉमी, उस सेक्टर की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो करना। इसके एग्जांपल है एग्रीकल्चर हो सकता है, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं कि जो गवर्नमेंट है वो स्कीम के द्वारा या प्रोग्राम्स के द्वारा या किसी फॉर्मूले के द्वारा इन चीज़ों को इंक्रीज कर सकती है या इन चीज़ों को डेवलप है वो कर सकती है। और इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जो पीपल जो एंगेज हैं इस फील्ड में, ये जो यहाँ पे लिख रखे हैं इनके अलावा और भी हैं जो केवल सेक्टरल के अंदर आते हैं, उनका विकास करना, उनकी इकोनॉमिक्स आर्थिक रूप से उनकी मदद करना या इकोनॉमिक्स रूप से उन्हें डेवलप करना। रीजनल, रीजनल एक क्षेत्र के लिए, इसका एम होता है कि हम देखते हैं कि एक क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है और एक क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो डिस्पेरिटीज़ हैं इनको कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। रिमूविंग द रीजनल डिस्पेरिटीज़ विद द रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को लेकर जो भेदभाव इनमें हो रहा है उसको कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है रीजनल का। जैसे सम एरिया आर मोर डेवलप, कुछ एरिया हम वो डेवलप होते हैं और कुछ अनडेवलप होते हैं, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है ना, जो गैप जो बना हुआ है इसको कम करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है किसका, रीजनल प्लानिंग का। एग्जांपल मैं बात करूं, हिल्स एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, आगे हम हिल्स एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ड्रॉट पोन एरिया प्रोग्राम्स, सूखा संभावित जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा संभाव, जहाँ पे रेनफॉल है वो नहीं होती, तो सरकार ने उस चीज़ के लिए क्या स्टेप उठाए हैं, या फिर जो पर्वतीय जो क्षेत्रों में जो रह रहे हैं जिनको अपने जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे अपने प्रॉपर, तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं,
वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग से इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो भी हमारा, तो उसमें मिलेंगे हम। आपको कोई भी डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।